લિંબાયતના મહાપ્રભુનગરમાં રહેતો અબ્દુલ ઇમામ શેખ ઉર્ફે બબ્બુ માંજરો રાજકારણના દમ પર ગરીબ વર્ગો પાસેથી હપ્તો ઉઘરાવી રહ્યો છે. અબ્દુલ ઇમામ શેખ બીજેપીનો કાર્યકર્તા હોય, જે મહિને ફૂટપાથ પર ખાણીપીણી કે અન્ય ધંધો કરતા લોકો પાસેથી રૂપિયા 2000નો હપ્તો પડાવી રહ્યો છે, જેને લઈ ભોગ બનનારાઓ આજે પોલીસ કમિશનર કચેરી પહોંચી હપ્તાખોર અબ્દુલ ઇમામ શેખ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. सर आपका नाम? अशफाक राउत साहब. क्या हुआ आपके साथ में, क्या घटना हो रही है? हम लिंबायत में रहते, वहाँ पे हमारे खाने पीने की लाड़ी है जंगल सभा दरगाह के पास. वहाँ बीजेपी कार्यकर्ता है बब्बू मांजरो, तो वो हमारे पास से महीने 2000 रुपये हफ्ता मांगते हैं. हम नहीं दे रहे तो वो मतलब कॉरपोरेशन से दबान दे रहा है, और हम मतलब में उसका विरोध कुछ करेंगे तो मतलब मारने की धमकी भी देता है. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए. कहाँ पे आए? कचहरी, कमिश्नर कचहरी आए हम लोग ये आवेदन पत्र देने के लिए, अर्जी देने के लिए कि इस पर मतलब में कार्यवाही होए, और हमको हमारे धंधे से भी हम पे नुकसान नहीं, और जानी माल से भी नुकसान नहीं हो. कितने दिनों से हो रहा है जोर से? ये करीबन 3 महीने से हो रहा है.